हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ मिर्चे की एक ऐसी रेसिपी जो आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। आप लोगों का स्वागत है गौरी मॉम्स ब्लॉग में। और आप लोग मिर्चे के भरवा मिर्चे बनाए होंगे, मसाले वाले मिर्चे बनाए होंगे, काट के भी मिर्चे बनाए होंगे आपने, और मिर्चे का अचार भी खाया होगा। पर इस तरीके से मिर्चे की रेसिपी आपने कभी नहीं बनाई होगी, जो टिफिन में बच्चों के भी टिफिन में ये कड़वे बिल्कुल नहीं लगते हैं, और बड़े को टिफिन में, और दाल चावल रोटी पूड़ी पराठा किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड देखिए, मैंने बारी बारी से सारी सब्जियों को काट लिया। ये देखिए, पहले मैंने प्याज को काटा है, मिर्चे को काटा है, लहसुन की कलियाँ काटी हैं। आप इसमें ज़्यादा सी लहसुन की कलियाँ डालिए, मेरे पास अभी खत्म हो चुका था तो मैंने इतने ही डाला है। फिर मैंने आलू को काट लिया एक महीन में, और एक टमाटर को महीन में मैंने बारीक बारीक काट लिया। और देखिए फ्रेंड, मेरी सारी सब्जियां कट के तैयार हो गई। आप इतनी सारी सब्जियां जरूर डालिए, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड, आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा कि इन लोगों ने इस तरीके से ट्राई किया है, और ट्राई किया तो उसके बाद लोगों को खाने में कैसा लगा है। और ये भी बताइए कि आज से पहले कभी इस तरीके से किसी ने ट्राई किया है कि नहीं ट्राई किया। देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है थोड़ी सी, बस वो थोड़ी सी हल्दी डाली है, और सारी जो वेजिस काटी हुई थी वो मैंने इसमें मिला दी। उलट पुलट करते हुए बस उसको इसके ऐसे चला लेना है। फ्रेंड, ये 5 मिनट में बस बन के तैयार हो जाती है, और इतनी टेस्टी लगती है। इसमें हमें पानी को नहीं डालना है बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो टमाटर पड़ा हुआ है, जो अब नमक डाला है, इससे पानी छूटेगा। तो ये बिना पानी के ढक के बनाइए, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप छींटा मार सकते हैं पानी का। और ये देखिए, अभी हमारी हल्की हल्की भी कच्ची है सब्जी, इसी स्टेज में हम थोड़ी सी पिसी हुई धनिया डालेंगे। ये देखिए, हमने धनिया भी डाल दी है। आप इस तरीके से बनाएंगे, खाएंगे, और ये मिर्चे बिल्कुल कड़वे नहीं होते हैं। तुम्हारे बच्चों ने बिल्कुल सब्जी की तरह इसको खाया है, मतलब मैंने बोला ये मिर्चे हैं बेटा, मिर्चे हैं, तो बोला कि नहीं मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं तो खाऊंगा, और तो उन्होंने सब्जी के जैसे उसको खाया। और ये देखिए, अब मेरी ये सब्जी बिल्कुल पक के तैयार हो गई है। और अभी हम इसमें विनेगर डाल रहे हैं, एप्पल साइडर विनेगर है, आपके पास जो भी विनेगर हो आप वो डालिए। और मैंने ये क्रश करके कस्तूरी मेथी डाल दी है। और फ्रेंड, आप लोगों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स, रेसिपी पूरी देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।